हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। रिलेशन के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ पहले से ही, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सोन 14 एलिमेंट है, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए यानी ए बी दोनों सेट ही क्या है, ए ई है, ठीक है। डिफाइन बाई आर, आर रिलेशन कैसा डिफाइन किया है, एक्स वाई इसके अंदर वे ऑर्डर पेयर हैं जो 3x-y इज इक्वल टू 0 वो क्या करते हो करते हैं सेटिस्फाइड, और एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स टू किससे हैं, ए से हैं, ठीक है। राइट डोमेन, को डोमेन एंड रेंज तीनों लिख लिए आपने, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आर के एलिमेंट क्या लिखूँगा बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x-y इज इक्वल टू 0, तो y-3x तो y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अभी इसके अंदर क्या है, अभी जो y जो सेकंड एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री से क्या है, तीन गुना है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x का मतलब क्या है, जो सेकंड एंट्री है y वो x से क्या है, 3 times है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम समझ सकते हैं, और x और y कहाँ से लेने, मुझे a से लेने हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो 1, 3 का पेयर इसके अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 आपस में क्या है, रिलेटेड, जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिलेशन हो गया ये 3x-y इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, कि रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा क्या आएगा, 2, 6 आएगा, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, 3, 9 आएगा। चौथा क्या आएगा, 4, 12 आएगा। पांचवा पेयर नहीं आएगा, क्योंकि 5 लिखाऊँ तो 15 आ जाएगा, और 15 इस ए के अंदर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये तो क्या होगी बच्चों, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम इसकी डोमेन, ठीक है। डोमेन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी बच्चों, डोमेन के अंदर क्या आते हैं, जितने रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, उनकी डोमेन होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसके अंदर 1 फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो इस डोमेन क्या होगी बच्चों, इसकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई, ठीक है। रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज क्या होती है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी सेकेंड एंट्री क्या होती है, रेंज ऑफ आर होती है। तो इसकी जो सेकेंड एंट्री कौन है, वो है एक तो 3 है, एक 6 है, एक कितने हैं, 9 है, और एक क्या है, 12 है। और कोडोमेन मैंने क्या बताया था बच्चों, जो राइट साइड में या जो पूरा सेट होता है वो क्या होता है, उसकी कोडोमेन होती है। तो कोडोमेन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सेट भी ये है और दूसरा सेट भी है, जो दूसरे वाला जो सेट होता है राइट साइड में, वो पूरा का पूरा होल सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है, किसका, रिलेशन का, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 1, 2, 3 अप टू सोन 14 तक क्या हो गया बच्चों, हमारे पास ये कोडोमेन हो गई, ठीक है। डोमेन क्या आ गई, 1, 2, 3, 4, रेंज क्या आ गई, 3, 6, 9, 12, और कोडोमेन क्या आ गई बच्चों, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन 14, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई, रिलेशन क्या डिफाइन किया है, एक्स वाई इस सेट, इस रिलेशन के अंदर वे ऑर्डर पेयर आएंगे जो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव को क्या करते हैं बच्चे, सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया, क्या हो गया ये, रिलेशन, ठीक है। तो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो इसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप रोस्टर फॉर्म, हमको इस रिलेशनशिप को क्या है, ये पहले तो क्या है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, हमको इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसकी डोमेन और रेंज भी हमने आर की क्या है, फाइंड आउट करने है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो आर रिलेशन क्या दे रखा है मेरे पास बच्चों, एक्स वाई और वाई इजकल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ये रिलेशन मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और इसके अंदर वे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, यहाँ से सीधी बात है, अब देखो सेकेंड एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री से 5 ज़्यादा है,
फाइव ज़्यादा है, यानी कि x की वैल्यू वन पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स आएगी। x की वैल्यू टू पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, सेवन आएगी। इसकी थ्री पुट करूँगा तो क्या आएगी, एट आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, R की रोस्टर फॉर्म क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी बताओ। x की वैल्यू वन पुट करो, वन सिक्स टू सेवन थ्री एट, ठीक है, बस और तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, लेस देन ही फोर। और x कैसा दे रखा है, x और y क्या दे रखे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, वन टू थ्री, ये तीन एलिमेंट आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या होगी मेरे पास है? रोस्टर फॉर्म आ गई। इसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन क्या होती है बच्चों, डोमेन क्या होती है, जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी क्या होती है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, वो डोमेन होती है। तो डोमेन क्या आ गई बच्चों यहाँ से, वन टू थ्री। और रेंज क्या होती है बच्चों, जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी सेकेंड एंट्रीज क्या होती हैं, इसकी रेंज होती है। तो हो गई ये सिक्स सेवन और एट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसके बाद बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, If A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 4, 5, 6, define A relation R from A to B by R, R is equal to, क्या relation define कर रखा है बच्चों, इस R के अंदर वे ordered pair आएंगे जो इस condition को satisfied करते हैं। Condition क्या है, difference between X and Y is odd, ठीक है, और x कहाँ से आना चाहिए, a से, और y कहाँ से आना चाहिए, b से। ठीक है, तो मैं a और b के अंदर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट का, एक एलिमेंट a से लेंगे और एक एलिमेंट b से लेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ओड आना चाहिए। ठीक है, तो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस r को। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो r इज इक्वल टू, ठीक है, पहले तो रोस्टर फॉर्म देखो कैसे, ऐसे लिख देते हैं। देखो क्या है, वन टू थ्री फोर, ये क्या है, ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं दो ओड नंबर का डिफरेंस, दो ओड नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन आएगा, दो इवन नंबर का डिफरेंस करेंगे तो भी इवन आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमको एक ओड लेना पड़ेगा और एक इवन, तब ही डिफरेंस क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब वन को पहले एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो वन का किसके साथ पेयर बनेगा, फोर के साथ, क्योंकि वन का और फोर का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। यहाँ पे हमें माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस आएगा या प्लस आएगा, हमें क्या देखना है, सिर्फ ओड और इवन देखना है। तो वन का और फोर का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ओड आएगा। ठीक है, वन का फाइव के साथ नहीं बनाएगा, वन और फाइव का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। तो वन का किसके साथ बनेगा, सिक्स के साथ बनेगा। ठीक है, तो पहला पेयर क्या आएगा, वन फोर वन सिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो को पकड़ेंगे, तो दो का चार के साथ इवन आएगा, अब दो का किसके साथ बनेगा, पाँच के साथ, क्योंकि दो का और पाँच का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, ओड आएगा। चार और छः के साथ क्या आएगा, दो का डिफरेंस इवन आएगा, इसलिए क्या बनेगा, दो और पाँच का ओडर पेयर बनेगा। ठीक है, अब थ्री को लेते हैं, तो थ्री का फोर के साथ बनेगा, क्योंकि थ्री का और फोर का डिफरेंस क्या आएगा, ओड आएगा, तो थ्री और फोर बन गया। थ्री का फाइव के साथ क्या बनेगा, इवन बनेगा, थ्री का सिक्स के साथ क्या बनेगा, ओड बनेगा, तो थ्री का और सिक्स का क्या बन गया बच्चों, ओडर्ड पेयर बन गया। अब ले फोर, फोर का और फोर का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, जीरो कैसा नंबर होता है बच्चों, इवन नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। और फोर का सिक्स के साथ करूँगा तो टू आएगा या माइनस टू आएगा, ये भी इवन है, तो फोर का किसके साथ बनेगा बच्चों, फाइव के साथ बनेगा, तो फोर और फाइव। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, वन फोर वन सिक्स टू फाइव थ्री फोर थ्री सिक्स फोर फाइव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ, ये हमको पहले से रिलेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, एक फिगर बना के दे रखी है, पी के अंदर फाइव सिक्स सेवन है और क्यू के अंदर क्या है, थ्री फोर फाइव है। ठीक है, तो फाइव की इमेज कहाँ पे जा रही है, थ्री पे, फोर सिक्स की इमेज कहाँ पे जा रही है, फोर पे, और सेवन की इमेज कहाँ पे जा रही है, फाइव है। ठीक है, तो आपने इस रिलेशनशिप को पहले तो एक रिलेशनशिप बता नहीं है, एक रिलेशनशिप इनके अंदर है क्या। ठीक है, राइट सेट बिल्डर फॉर्म, फिर इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, इसकी डोमेन और
रेंज भी बतानी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ। रोस्टर फॉर्म क्या है इसकी, 5, 3, 6, 4 और 7, 5। ठीक है बच्चों, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा, इसके अंदर सीधी बात है ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के आएंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा अभी किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या है 5 है और सेकेंड एंट्री क्या है 3 है। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो सेकेंड एंट्री से 2 ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड एंट्री से 6 क्या है, 2 ज़्यादा है। 5 जो है, 7 जो है 5 से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, यानी कि या तो ऐसे कह लो, अगर भाई फर्स्ट एंट्री क्या है y से 2 ज़्यादा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर भाई सेकेंड एंट्री फर्स्ट एंट्री से क्या है 2 कम है। सेकेंड एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री से 2 कम है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड एंट्री को किसके इक्वल लिख दिया, फर्स्ट एंट्री में से 2 कम कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस 2 को इधर ले आओ और इसको y को इधर ले जाओ, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x y y, तो इसको इस रिलेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई बच्चों मेरे पास से, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो जाएगी, डोमेन। इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो जाएगी, डोमेन, 5, 6, 7। और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर इस रिलेशन के अंदर जो सेकेंड एंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या है, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन 4 हो गया। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई आर, आर इज इक्वल टू क्या है, देखो इस सेट के अंदर, इस आर रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जो दोनों ए और बी ए से बिलोंग करते हैं, और देखो बी यानी कि सेकेंड एंट्री, यानी कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि बी जो सेकेंड एंट्री है वो एग्जैक्टली किससे कर जानी चाहिए, ए से फर्स्ट एंट्री से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर समझ लो, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि जो सेकेंड एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री से एग्जैक्टली डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे पेयर आएंगे, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे बच्चों, ए से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो ए के अंदर देखो बच्चों, अब फिर वही काम, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है बच्चों, करो, अब देखो वन तो, अब ध्यान से सुनो, अब वन तो सबसे डिवाइड हो जाए, वन तो सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है बी को एग्जैक्टली क्या करनी चाहिए, डिवाइड करनी चाहिए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि बी यानी कि जो सेकेंड एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री से क्या हो जानी चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कौन है बच्चों, वन, तो वन तो सबको डिवाइड करेगा, वन को भी करेगा, टू को भी करेगा, थ्री को भी करेगा, फोर को भी करेगा और सिक्स को भी करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, वन के साथ तो सारे पेयर बन जाएंगे, वन वन का बन जाएगा, वन का टू के साथ बन जाएगा, और वन थ्री के साथ बना लेगा, वन फोर के साथ भी बनाएगा, और वन सिक्स के साथ भी पेयर बनाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम टू के पास।
टू जो है वो वन को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, टू जो है टू को डिवाइड कर देगा, टू का किस पे फिर जाएगा, टू पे जाएगा, थ्री पे नहीं जाएगा, फोर पे जाएगा, ठीक है, फिर सिक्स पे जाएगा, यानी कि टू का किसके साथ, टू किसको डिवाइड कर रहा है, टू टू को डिवाइड कर रहा है, टू फोर को डिवाइड कर रहा है और टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद थ्री पे चलते हैं, थ्री वन और टू को डिवाइड नहीं करेगा बच्चों, थ्री थ्री को डिवाइड करेगा, थ्री फोर को डिवाइड नहीं करेगा, थ्री सिक्स को नहीं करेगा, तो थ्री का थ्री के साथ पेयर बन गया और थ्री का सिक्स के साथ पेयर बन गया बच्चों। अब फोर जो है वो वन टू थ्री को डिवाइड नहीं करेगा, वह फोर किसको साथ करेगा, फोर के साथ, फोर फोर का पेयर बनेगा, फोर सिक्स को भी डिवाइड नहीं करेगा, सिक्स वन टू थ्री फोर को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन सिक्स सिक्स को डिवाइड करेगा, तो सिक्स और सिक्स का भी पेयर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गई मेरे पास, रोस्टर फॉर्म आ गई, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या निकालनी है आपने, डोमेन। डोमेन क्या होती है, जो 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 रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है, जो फर्स्ट एंट्री है ऑर्डर पेयर की, वो क्या हो जाएंगे, सारे डोमेन हो जाएंगे। तो वन 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 हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया और सिक्स हो गया, डोमेन तो ये हुई। रेंज क्या होगी बच्चों, जो सेकंड एंट्री है इस ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड एंट्री है कौन कौन है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सिक्स है, तो ये भी क्या आ गई, वन टू थ्री भी आ गया, फोर भी आ गया और सिक्स भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगी बच्चों, इसकी डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखो सिक्स क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर एक्स एक्स प्लस फाइव एक्स जीरो वन टू थ्री फोर वाई। तो ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या समझना है आपको, जो देखो यहाँ पे क्या देखना है आपने, जो सेकेंड इंट्री है वो फर्स्ट इंट्री से क्या है, पाँच ज़्यादा है, यानी फाइव ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इंट्री में क्या हुआ है, सेकेंड इंट्री में क्या हुआ है, फर्स्ट इंट्री प्लस में फाइव है, ठीक है। तो जैसे देखो, तो आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन कैसे डिफाइन किया भाई, जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे, जब एक्स की जगह जीरो रखूँगा तो जीरो, और एक्स की जीरो रखूँगा तो क्या आएगा, जीरो फाइव, फिर वन रखूँगा तो क्या आएगा, वन सिक्स, फिर टू सेवन, थ्री, ठीक है, थ्री एट और फोर नाइन और क्या आएगा, फाइव टेन, ठीक है बच्चों, फाइव और टेन। यहाँ पे x पे कंडीशन है, ठीक है, दूसरे वाली पे कंडीशन नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट यहाँ से लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन आ गया, जीरो फाइव वन सिक्स टू सेवन थ्री एट फोर नाइन फाइव टेन, ठीक है। अब क्या है, डोमेन निकालनी है, तो डोमेन क्या होती है मेरे पास, डोमेन क्या है, इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनकी फर्स्ट एंट्री क्या है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। रेंज क्या आएगी बच्चों, जो इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एंट्री है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है और टेन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेवन्थ, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। देखो अब इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों, जिसमें सेकंड इंट्री क्या होगी, फर्स्ट इंट्री का क्यूब होगी, सेकंड इंट्री क्या होगी, फर्स्ट इंट्री का क्यूब होगी, ठीक है बच्चों। और x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, अगर भाई x प्राइम नंबर होता है क्या, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, या तो वन होता है या वो खुद होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो टू हो गया, एक थ्री हो गया, एक फाइव हो गया, एक सेवन हो गया, लेस देन टेन यही क्या है, फोर, ये टू थ्री फाइव सेवन यही फोर प्राइम नंबर हैं, ठीक है, जो लेस देन टेन है और प्राइम नंबर्स में है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर वे पेयर हैं जिसमें सेकंड एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री का क्यूब है, यानी कि टू एट आएगा, और इसके अंदर क्या है, एक्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और कैसा होगा, वो लेस देन टेन होगा, ठीक है बच्चों। तो टू थ्री फाइव सेवन क्या है, ये
चार प्राइम नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 10 है, ठीक है बच्चों, और जिसमें सेकेंड एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री का क्यूब है, ठीक है, तो 2 8 आएगा, फिर 3 क्या आएगा, 27 आएगा, फिर 5 125 आएगा, और क्या आएगा, 7 और 4 7 28 343 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है, क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म। आप यहाँ से डोमेन भी निकाल सकते, डोमेन क्या होगी, 2 3 5 7, और रेंज क्या आ गई इसकी, 8 27 125 और 343, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चों। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए रिलेशन आर, रिलेशन क्या होता है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो हमें जितने जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मैं ए क्रॉस बी के क्या निकाल दूंगा, सबसेट निकाल दूंगा, तो वो क्या आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएंगे, क्योंकि जितने सबसेट हैं ए क्रॉस बी के वो सब के सब क्या है बच्चों, रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है, अभी बताओ, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या है बच्चों, यहाँ पे 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 × 2 इजल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अरे ये हम जानते हैं कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, 2n होता है, अगर ए के अंदर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या हो बच्चों, एन हो, ये हम सेट थ्योरी के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, ये पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, ये है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। जब हम सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो सेट ऑफ ऑल रिलेशन इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी के क्या है, सारे सबसेट की काउंटिंग निकाल दो, तो वहाँ क्या आ जाएगी, रिलेशन की काउंटिंग आ जाएगी, हमें पता लग जाए भाई इस ए टू बी पे कितने रिलेशन डिफाइन हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, क्या आएगा, 2 की पावर 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 कितना आ गया, 2 × 4 4 8 9 16 16 32 34, यानी कितना हो गया बच्चों, 64। तो 64 रिलेशन जो है फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8 क्वेश्चन बच्चों। 9th, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर, कैसा रिलेशन दे रखा है, इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और कैसे रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, भाई इस ऑर्डर पेयर के अंदर कौन से नंबर आएंगे, कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या है, कि इंटीजर आए, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जेड मैंने सेट ले लिया, जेड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी का नंबर ले लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर कोई भी दो नंबर हम इंटीजर का लेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 3 का मैं सभी के साथ क्या कर दूँ, पेयर बना दूँ, तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, चाहे वो माइनस आए चाहे प्लस आए, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, तो इंटीजर कोई भी दो इंटीजर लेंगे, ठीक है, कोई भी दो, अगर ए बी बिलोंग्स टू अगर जेड लेंगे तो ए माइनस बी ये पक्का है, ए क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, चाहे वो प्लस का आए चाहे माइनस का आए, 0 आएगा तो 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर में से अगर कोई इंटीजर घटाएंगे तो ये पक्की गारंटी बात है, वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की भी होती है, अगर दो एलिमेंट किसी सेट से लेते हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या आता है, कि इंटीजर ही आता है, तो माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन भी बन जाता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो पक्की गारंटी बात है, आप देख सकते हो ए माइनस बी क्या आएगा, कि इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी पूरा जेड बन गया, और रेंज भी क्या हो गई पूरी जेड हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।